स्वागत है शहर की प्रमुख हलचल के साथ। मैं हूं प्रभा। ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शासन को लगा करोड़ों रुपए का चूना। अधूरे निर्माण छात्रावास को निर्माण कार्य पूर्ण का प्रमाण पत्र जारी कर अधिकारियों ने ठेकेदार को कर दिया लाखों रुपए का भुगतान। प्रभारी मंत्री को आदिवासी छात्र संगठन ने सौंपा ज्ञापन। एकीकृत बाल विकास परियोजना रतलाम शहर के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत स्वागतम लक्ष्मी का कार्यक्रम हुआ सम्पन्न। बेटी की माताओं का हुआ सम्मान। और श्री राम हिंदुत्व का आधार, श्री राम से ही देश की संस्कृति और संस्कृति से ही देश। श्री रामायण उत्सव में शहर विधायक चेतन काश्यप ने की श्री रामायण जी की आरती, लिया प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। और फागुन माह से शुरू हुए फागुत्सव होलिका दहन के बाद भी लगातार जारी। शक्तिपीठ महिषासुर मर्दिनी उकाला मंदिर पर भव्य फागुत्सव का हुआ आयोजन। फाग गीतों के साथ भक्तों पर हुई पुष्प वर्षा। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर जो छात्रावास पूर्ण तरह बने ही नहीं थे उनको पूर्ण होने का सर्टिफिकेट जारी करते हुए करोड़ों रुपए का शासन को चूना लगा दिया। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर जो छात्रावास पूर्ण तरह बने ही नहीं थे उनको पूर्ण होने का सर्टिफिकेट जारी करते हुए करोड़ों रुपए का शासन को चूना लगा दिया। उक्त भ्रष्टाचार की जांच व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आदिवासी छात्र संगठन द्वारा प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी अनुसार सैलाना विधानसभा के अंतर्गत सन 2009 से आदिवासी बालक प्री मैट्रिक छात्रावास सकरावदा जो 60 लाख की लागत से बन रहा था, जो आज तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और जितना भी बना है वह भी जर्जर हो चुका है। आदिवासी विभाग में बिना देखे व बिना सोचे इसका पूरा पैसा ठेकेदार को भुगतान कर दिया है। इसी प्रकार दूसरा मामला सैलाना विधानसभा के अंतर्गत सन 2009-10 से आदिवासी बालक प्री मैट्रिक छात्रावास सैलेज देवदा रावटी जो 60 लाख की लागत से बन रहा था, जो आज तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जो बना वो भी जर्जर हो चुका है। आदिवासी विभाग ने बिना देखे व बिना सोचे इसका पूरा पैसा ठेकेदार को भुगतान कर दिया है। तीसरा मामला आदिवासी कन्या प्री मैट्रिक छात्रावास रावटी जो 60 लाख की लागत से बना था, जो आज तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और जितना भी बना वह भी जर्जर हो चुका है। आदिवासी विभाग ने बिना देखे व बिना सोचे इसका पूरा पैसा ठेकेदार को भुगतान कर दिया। आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रावास में रहकर पढ़ने हेतु व अपना व समाज का भविष्य बनाने के उद्देश्य से शासन ने छात्रावास स्वीकृत किया था, वह छात्रावास अधिकारियों व ठेकेदारों के भ्रष्टाचार से ट्राइबल का पैसा खत्म हो गया। इसकी उच्च अधिकारियों द्वारा सही जाँच कराए व दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। देखना अब यह होगा कि प्रभारी मंत्री से शिकायत करने के बाद लापरवाह अधिकारी एवं भ्रष्टाचारी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर ऐसे ही शासन की योजनाओं के माध्यम से आम जनता की गाड़ी कमाई को चूना लगाकर जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार विकास के नाम पर जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे। आदिवासी छात्र संगठन के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, 2022 तक अधूरे पड़े हैं जिनकी 95% राशि निकाल ली गई है एवं आज भी ये छात्रावास अधूरे पड़े हैं। और हमने मुख्यमंत्री जी को 2018 में ज्ञापन दिया आदिवासी छात्र संगठन के माध्यम से एवं कलेक्टर को 2021 में ज्ञापन दिया, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई ना दोषियों पर कार्रवाई हुई, क्योंकि ट्राइबल का ये पैसा 1,20,00,000 भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हमने कई बार मांग करने के बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। आगामी समय में अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो 14 अप्रैल के आसपास हम भूख हड़ताल करेंगे। एकीकृत बाल विकास परियोजना रतलाम शहर क्रमांक 1 व 2 अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत स्वागतम लक्ष्मी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सिलावटो के वास स्थित नरसिंह वाटिका में एकीकृत बाल विकास परियोजना रतलाम शहर क्रमांक 1 व 2 के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत स्वागतम लक्ष्मी कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा व सहायक संचालक सुश्री अंकिता पंड्या के मार्गदर्शन में किया गया।
जिसमें बालिकाओं की माताओं को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में बालिकाओं व माताओं का स्वागत हेतु पुष्प बिछाए गए। अलग अलग पुष्पों से स्वागतम लक्ष्मी भी लिखा गया। स्वागत पुष्पों की पंखुड़ियों को उड़ाकर व पुष्प गुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम में माताओं को महिला बाल विकास की लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रम परियोजना रतलाम शहर 1 व 2 की प्रभारी अधिकारी श्रीमती नीलम बाघेल ने अपने उद्बोधन में माताओं को बालिकाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखने की समझाइश दी। तत्पश्चात कार्यक्रम में बालिकाओं को किट प्रदान की गई। आज ने अप्रैल 2008 के बाद जन्मी हुई बालिकाओं को, प्रथम बालिकाओं को लाभ देने का उन्होंने घोषणा की और आज तक उसको लागू किया। श्री रामायण महोत्सव एवं रामलीला उत्सव के अंतिम दिन शहर विधायक चेतन काश्यप ने पहुँच कर श्री रामायण जी की आरती कर धर्म लाभ लिया। श्री रामायण महोत्सव एवं रामलीला उत्सव के अंतिम दिन का आयोजन रेल नगर स्थित बगीचे में किया गया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता राकेश मिश्रा व एडवोकेट श्रवण यादव रहे। मुख्य अतिथि रतलाम शहर विधायक चेतनी काश्यप, पूर्व महामंत्री भाजपा मनोहर पोरवाल व पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित रहे। सभी अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम भगवान श्री राम व लक्ष्मण जी का पूजन करते हुए पुष्पमाला पहनाकर तथा भगवान श्री राम का रामचरितमानस का पूजन व आरती संपन्न की। तत्पश्चात आयोजक मंडल द्वारा सभी अतिथियों को राम नाम का दुपट्टा पहनाया गया। शहर विधायक चेतनी काश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमने रामायण टीवी पर देखी और छोटे छोटे से क्षेत्रों में इस तरह की कथा या मेले के आयोजन होते रहते हैं। परिवार के बच्चे देखते हैं और संस्कारों पर प्रभाव डालते हैं, उससे सुसंस्कारों की वृद्धि होती है। परंतु मन के अंदर भावना बैठाना हेतु नाट्य मंच आवश्यक है। कार्यक्रम संयोजक राकेश मिश्रा द्वारा विधायक से निवेदन किया गया कि रेल नगर स्थित बगीचे में बाउंड्री वॉल की मांग की। इस बात पर माननीय विधायक चेतनी काश्यप ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द बाउंड्री वॉल बनवा देंगे। साथ ही यदि राम मंदिर का निर्माण होता है तो मेरे और मेरे परिवार द्वारा यथासंभव मदद की जाएगी। रात्रि में कुंभकर्ण मेघनाथ वध रावण वध रामराज्य अभिषेक रहा। कार्यक्रम का संचालन व जानकारी राकेश मिश्रा ने दी। कार्यक्रम में उत्तर भारतीय समग्र समाज अध्यक्ष रविंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, लोकेश जायसवाल, बबीता नागर आदि कार्यकर्ता एवं क्षेत्र नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है कि इसमें रामलला का अयोध्या में विराजना, रामलला का मंदिर का निर्माण का कार्य जो करीब करीब अपनी ऊंचाइयों पर आने लगा है और अगले 2-3 सालों के अंदर राम मंदिर का हम पूरा भव्य निर्माण कर पाएंगे, निश्चित रूप से यह हमारे हिंदू समाज के गौरव का विषय है। यह भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं है, यह कार्य कोई नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, यह राम का कार्य है। राम कार्य में जो लगे हैं वही हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार। जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है, 10x40, 10x50, 15x50, 20x40, 30x50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9179970906, 8894689899, 8871618737, 8318644057, 7000456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी, कनेरी रोड, न्यू झाबुआ टू लेन, पुलिस लाइन के आगे, रतलाम।
फागुन माह शुरू होने के साथ ही देवालयों में फागोत्सव की शुरुआत हो गई थी। वहीं होलिका दहन के बाद भी कई देवालयों में फागोत्सव आज भी मनाया जा रहा है। फागुन माह शुरू होने के साथ ही देवालयों में फाग उत्सव की शुरुआत हो गई थी। वहीं होलिका दहन के बाद भी कई देवालयों में फाग उत्सव आज भी मनाया जा रहा है। श्री महिषासुर मर्दिनी उकाला मंदिर परिसर में भव्य फाग उत्सव का आयोजन हुआ। ताराबेन सोनी द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं फाग भजनों पर माता बहनों द्वारा रंग गुलाल लगाकर फाग उत्सव मनाया गया। प्रवेश प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम के अंतर्गत करवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला। रतलाम जिले में आज 6,500 हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला है। ग्राम नंदलई में प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले के 6,500 हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाया है। लंबे समय से अपने घर का सपना देखने वाले हितग्राहियों के भवन पूर्ण होने के बाद गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी खुशी हितग्राहियों के चेहरों पर साफ झलक रही थी। ग्रामीणों ने इस सौगात पर सरकार को धन्यवाद भी दिया है। अब अच्छे मकान में रह रहे हैं, पहले कच्चे मकान में थे, अब अच्छे रहने की सुविधा अच्छी हो गई है। पहले क्या समस्या आती थी? पहले जैसे बारिश में कच्चे मकान थे तो उसमें थोड़ी पानी भरा जाता था, उठने बैठने की व्यवस्था नहीं थी। अब पक्का मकान होने से अच्छा था हो गया। आज क्या हुआ? आज कौन आया था गृह प्रवेश करवाने? अभी आए थे काश्यप जी, आए थे। गृह प्रवेश करवाया? क्या करवाया? हाँ, गृह प्रवेश कराया। खुश हो अब? हाँ, खुश। अच्छा लाभ मिला है। अभी पहले क्या होता था? पहले बारिश आ जाता और गीला हो जाता घर में, और अच्छी अभी अच्छी सुविधा है। अच्छा काम किया? हाँ, अच्छा काम किया। तो किसको धन्यवाद देंगे आप? धन्यवाद देंगे घर तो साफ सब आए थे उधर के। अच्छा काम किया सरकार ने? हाँ, अच्छा काम किया सरकार ने। हाँ, अच्छी सुविधा की। प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया, अद्भुत है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच गरीब कल्याण के लिए, और उस सोच को मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक मिशन की तरह से पूरा किया है। आज पूरे प्रदेश में, और ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहता हूँ रतलाम का, जहाँ 6,500 से ज़्यादा लोग आज अपने स्वयं के घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए मैं रतलाम के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड समय में उन्होंने ये काम पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने सुना है, ये पूरा जो वर्ष है ये गरीब कल्याण के लिए उन्होंने समर्पित किया है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने जो जन कल्याण के कार्य बंद कर दिए थे, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे कन्यादान योजना जिसकी राशि बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 55,000 रुपये की है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को भी आपके इस चैनल के माध्यम से, कि जो खाद्यान्न योजना 31 मार्च तक लागू की थी उसको 6 महीने के लिए गरीब कल्याण के हित में फिर से आगे बढ़ाया है। तो गरीब का कल्याण और प्रदेश का सर्वांगीण विकास जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। आज 5.5 लाख लोग गृह प्रवेश कर रहे हैं। डोसी गांव स्थित आवासीय परिसर में युवक ने अपने मकान के कमरे के अंदर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना औद्योगिक थाना अंतर्गत घटित हुई।
मानसिक रूप से परेशान एक शख्स ने काम से लौटकर अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत डोसी गांव क्षेत्र स्थित प्रधानमंत्री आवास क्षेत्र में घटित हुई। जानकारी अनुसार बंटी पिता बगदीराम निवासी शिवपुरी का होकर पिछले कई समय से अपने ससुराल रतलाम में ही रहकर मजदूरी का काम करता था। बंटी देर रात घर पर लौटा और डोसी गांव स्थित आवासीय परिसर में अपने मकान के कमरे के अंदर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब बंटी ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो परिजनों ने खिड़की में से झांक कर देखा कि वह पंखे के हुक से फांसी का फंदा लगाकर लटका हुआ था। तत्काल परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और बंटी को पंखे से उतार कर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। औद्योगिक थाना पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। औद्योगिक थाना पदस्थ पुलिसकर्मी ने जानकारी देते हुए बताया, ये आवास योजना डोसी गांव में उसके ससुराल में ही रहता था करीब 4-5 साल पहले से, और बंटी नाम है इसका, बंटी पिता मनीराम जाति जाटव निवासी घोड़ा गांव का शिवपुरी का रहने वाला है, और अभी 4-5 साल से ही प्रधानमंत्री जी अपने आवास में डोसी गांव में उसके ससुराल पक्ष के साथ भेजा था बच्चों के साथ ही। और कल रात में 11:30 बजे ये कहीं काम करके बाहर से आया था, उसके बाद घर के कमरे के अंदर गया था वो, फिर सुबह इनके परिवार वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने तो बजाया तो आवाज़ नहीं आई अंदर से, तो फिर इन्हें खिड़की में से देखा तो इन्हने घर के अंदर कमरे में अज्ञात कारणों से पंखे की जो कड़ी है उससे फांसी लगा के साड़ी से लटका हुआ था, और इसके फांसी किस कारण से लगाई इसकी जाँच जारी। ये थी अब तक की हलचल, कल फिर हासिल होंगे कुछ नई हलचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शासन को लगा करोड़ों रुपए का चूना। अधूरे निर्माण छात्रावास को निर्माण कार्य पूर्ण का प्रमाण पत्र जारी कर अधिकारियों ने ठेकेदार को कर दिया लाखों रुपए का भुगतान। प्रभारी मंत्री को आदिवासी छात्र संगठन ने सौंपा ज्ञापन। एकीकृत बाल विकास परियोजना रतलाम शहर के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत स्वागतम लक्ष्मी का कार्यक्रम हुआ संपन्न, बेटी की माताओं का हुआ सम्मान। और श्री राम हिंदुत्व का आधार, श्री राम से ही देश की संस्कृति और संस्कृति से ही देश। श्री रामायण उत्सव में शहर विधायक चित्री काश्यप ने की श्री रामायण जी की आरती, लिया प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। और फागुन माह से शुरू हुए फागुत्सव होलिका दहन के बाद भी लगातार जारी, शक्तिपीठ महिषासुर मर्दिनी उकाला मंदिर पर भव्य फागुत्सव का हुआ आयोजन, फाग गीतों के साथ भक्तों पर हुई पुष्प वर्षा।